उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद बांदा के तिंदवारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी उनके समर्थन में इस्तीफा देने की घोषणा की है। उन्होंने श्री मौर्य के इस्तीफा देने के कुछ ही देर बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है। भेजे गए इस्तीफे में उन्होंने कहा है कि भाजपा की प्रदेश सरकार द्वारा अपने पूरे 5 वर्ष हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि कार्यकाल के दौरान दलित पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं व जनप्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं दी गई और न ही उन्हें उचित सम्मान दिया गया। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा ही दलित पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों और छोटे लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की भी अपेक्षा की गई है। प्रदेश सरकार के ऐसे कूटनीतिक परक रवैये के कारण मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को शोषित पीड़ितों की आवाज बताते हुए कहा कि वह हमारे नेता हैं और मैं उनके साथ हूँ। बताते चलें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े ब्रजेश कुमार प्रजापति ने बहुजन समाज पार्टी के जगदीश प्रजापति को 37,407 मतों के अंतर से हराया था। इधर कुछ दिनों से रिपोर्ट कार्ड के आधार पर इनका टिकट कटने की अटकलें लगाई जा रही थी। इस बीच पार्टी के कार्यक्रमों में उनकी सक्रियता भी काफी कम हो गई थी। ब्रजेश प्रजापति को स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थक माना जाता है। उनके द्वारा इस्तीफा देने के कुछ ही घंटे बाद उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब अगर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का दामन थामते हैं तो इस सीट से ब्रजेश प्रजापति सपा से प्रबल दावेदार हो सकते हैं।